खेल का अड्डा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मैं हूं आपके साथ सुदीप राजपूत। जी हां, जिस तरीके से कल भारत और श्रीलंका के खिलाफ मैच हुआ, उस मैच में जहां एक तरफ श्रीलंकाई टीम लगभग 64% लोग ये मान रहे थे कि श्रीलंका का जीतना बिल्कुल निश्चित है, कुछ दिन पहले एक ऑडियो वायरल हो रहा था, वो था ये था कि रुको जरा सबर करो। कल कुछ इसी तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंकाई बल्लेबाजों से कहा रुको जरा सबर करो। फिर क्या, जिस तरीके से सातवें विकेट की जो पार्टनरशिप चल रही थी उसको हार्दिक पांड्या ने तोड़ा और एक बहुत ही बेहतरीन कैच लिया सूर्य कुमार यादव ने। उसके बाद हमारे चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने जिस तरीके से दोनों बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया वो काफ़ी अहम था। यानी कि आप कह सकते हैं कि कल श्रीलंका और भारत के हुए मैच में जिस तरीके से भारतीय टीम 41 रनों से जीती उसमें कहीं ना कहीं कुलदीप यादव का बहुत बड़ा योगदान है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कौन है भारत की कमर तोड़ने वाला 20 साल का गेंदबाज जिसने भारत की आधी टीम को समेटा। जी हां, कल हुए श्रीलंका और भारत के मैच में जिस प्रकार डुनित बेलालागे ने गेंदबाजी की इससे हर कोई हैरान और परेशान था। एशिया कप में भारतीय टीम ने सुपर 4 राउंड में अपना दूसरा मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ खेला। इस मुकाबले में श्रीलंकाई स्पिनर बेलालागे का जलवा देखने को मिला। 20 साल के डुनित बेलालागे ने 40 रन देकर 5 विकेट लिए। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारतीय टीम की कमर पूरी तोड़कर रख दी। जी हां, आपने पहले ओवर में बेलालागे ने गिल को बोल्ड किया, फिर अगले ओवर में उन्होंने कोहली को कैच आउट करवाया। इतना ही नहीं, बेलालागे ने अपने 3rd ओवर में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को भी आउट किया। बाद में बेलालागे ने केएल राहुल और हार्दिक पांड्या का विकेट लेकर अपना पंजा खोला। यानी कि अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग करते हुए कल बेलालागे ने 5 विकेट चटकाए। चलिए अब बात करते हैं कि ढूंढता बेलालागे की, जो कि बेलालागे बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज होने के साथ साथ लोअर आर्डर के एक उपयोगी बल्लेबाज है। जी हाँ, बेलालागे ने अब तक श्रीलंका के लिए 13 वनडे और 1 टेस्ट मैच खेला है। वनडे इंटरनेशनल में उन्होंने 18 विकेट लेने के साथ साथ 145 रन भी बनाए हैं। वहीं बात की जाए टेस्ट मैच में, तो टेस्ट मैच में बेलालागे ने 29 रन अपने बल्ले से बनाए हैं। बेलालागे ने अंडर 19 विश्व कप 2022 में श्रीलंका के टीम्स की कप्तानी भी की थी। उस टूर्नामेंट में बेलालागे ने सबसे ज़्यादा 17 विकेट भी लिए थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में बेलालागे ने 113 रनों की पारी खेली थी। इसके साथ बेलालागे अंडर 19 विश्व कप में शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई कप्तान भी बने थे। तो आप सबको पता है कि जिस तरीके से बेलालागे ने कल परफॉर्मेंस किया, बल्ले भी उनके चले और उनका फिरकी वो स्पिनर का जादू भी देखने को मिला। लेकिन इन सब के बीच में है हम चाइना में गेंदबाज कुलदीप यादव को नहीं भूल सकते। चलिए अब बात करते हैं कलाई के उस जादूगर की जिसने पाकिस्तान बल्लेबाजों के साथ साथ कल श्रीलंकाई बल्लेबाजों को अपने गेंदों पर खूब नचाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कलाई के जादूगर भारतीय गेंदबाज कुलदीप यादव की। कल के मैच में जब एक वक्त लग रहा था अब भारतीय टीम के हाथों से जीत बहुत आगे निकल चुकी है, तब ऐसे में कुलदीप यादव ने बैक टू बैक विकेट निकालकर श्रीलंकाई टीम को उम्मीदों पर पानी फेरा। आपको बता दें कल इस मैच में भारतीय टीम के जादुई चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। कुलदीप ने कोलंबो में भारत की 41 रनों की जीत में अहम भूमिका निभाई और भूमिका निभाई कि उन्हें जिस तरीके से 4 विकेट लिए 9.3 ओवर में 43 रन देकर। कुलदीप ने 88 मैचों में 150 विकेट भी पूरा किया। बिल्कुल ये आपने सही सुना, जिस तरीके से कुलदीप यादव ने 85 मैच में 150 विकेट पूरा किया, यानी कि ये सबसे तेज गेंदबाज भी बन गए हैं 150 विकेट पूरा करने वाले। 28 साल के कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ 25 रन देकर 5 विकेट लिए थे। वो मैच तो हर किसी को याद होगा कि किस तरीके से पाकिस्तानी बल्लेबाज कुलदीप यादव के गेंद पर थिरकते नजर आ रहे थे, यानी कि नाचते हुए नजर आ रहे थे। अगर बात की जाए सकल मैन मुश्ताक की 78 मैच, राशिद खान 80 मैच, अजंता मेंडिस जो कि श्रीलंका के पूर्व स्पिनर रह चुके हैं उन्होंने 84 के बाद कुलदीप यादव ने वनडे में 150 विकेट तक पहुंचने वाले चौथे सबसे तेज स्पिनर हैं। वहीं तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी 150 विकेट लेने वाले कुलदीप दूसरे सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं, यानी कि भारतीय गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने 80 मैचों में यह उपलब्धि हासिल की। वहीं कुलदीप ने इस साल 15 मैचों में 31 विकेट लिए हैं। जी, कुलदीप यादव इस साल 15 मैचों में 31 विकेट लेकर भारत की तरफ से यानी कि भारतीय गेंदबाजों में सबसे आगे निकल चुके हैं। आपको अच्छे से पता होगा जब एशिया कप शुरू हुआ एशिया कप में कुलदीप यादव का चयन होता है, वहीं
जो बढ़िया स्पिनर माने जाते थे यजवेंद्र चहल, उनको जब टीम से बाहर निकाला जाता है तो हर किसी के मन में एक प्रश्न था, इतना बेहतरीन बॉलिंग करने वाली यजवेंद्र चहल को आखिर टीम से क्यों निकाला गया। लेकिन उसके ऊपर चलकर जिस तरीके से अभी तक कुलदीप यादव ने जो परफॉर्मेंस किया है वो वाकई में अपने आप में काबिलियत तारीफ है। कल फिर मिलेंगे आपके साथ एक अच्छी जानकारी लेकर, अच्छे रिकॉर्ड्स को लेकर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।